नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जी निजा। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। एचसीएल आईसीसी बचाव संगठन के तत्वाधान में मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों की अवमानना के मामले को लेकर आज मौबंडा के कुतलुडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता फेबियन तिर्की ने बताया कि एक षड्यंत्र के तहत एचसीएल आईसीसी मौबंडा कंपनी में दोहरी नीति पर कार्य हो रही है, जिसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं। श्री तिर्की ने बताया कि इस कंपनी में दो ऐसे पदस्थ पदाधिकारी जो लंबे समय से जमे हुए हैं। उन्होंने बताया कई ऐसे बिंदुओं को लेकर जिससे निजी सुरक्षा कर्मी के एजेंसी के नाम, सुरक्षा कर्मी में गनमैन की संख्या और उनके लाइसेंस तथा एचसीएल के निजी क्वार्टर खुलवाकर कैनाल का काम करवाने का किसके आदेश से किया जा रहा है समेत ऐसे कई बिंदुओं पर उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आरटीआई भी की है। उन्होंने कहा कि यदि मामले की सही रूप से जांच की जाएगी तो कई अधिकारियों के गर्दन फंसेंगे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। इसका जो मन में है मालिक बने बैठे रहने का, सीबीसी गाइडलाइन का अनुसार किसी भी पदाधिकारी को 4 वर्ष किसी भी कंपनी में पदाधिकारी बनने का अधिकार नहीं है, कानून में नहीं है। क्या कारण है? 7 साल हो गया, यूनियन के द्वारा उसको सिग्नेचर करके हटाया जाए, अन्यथा हम अभियान चालू करेंगे। यूनियन के कहने से क्यों करें? हम यूनियन के कहने से नहीं, उसको जब समय दिया उसके बाद हम उससे बात भी किए कि जब आप अगेंस्ट है, प्रबंधन के खिलाफ है, एक तरह से मेरा अभियान चल रहा है तो आप आ जाइए, शामिल हो जाइए। उनको साफ इनकार किया, कहने हम इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते। तो क्या माना जाए, इसको दिखावा है या फिर कुछ ना कुछ गला फंसा है उसका भी? प्रबंधन जरूर कुछ ना कुछ उसका गला में रस्सी फंसाया हुआ है, तब ना खुल के नहीं आ रहा, तो क्या कारण है? उसके बाद में ये इतना हेवी गाड़ी चलना, मैंने एकदम हमेशा डेली मैंने खतरा मैंने यहाँ होते रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है। उस दिन भी जो हुआ एक बच्चा मर गया, उसी हेवी गाड़ी चलने की वजह से। बस आप लोगों के माध्यम से एसडीओ साहब को हम लोग आदेश मैंने जानकारी देनी चाहते हैं कि कम से कम बड़ा गाड़ी कैसे चल रहा है, बड़ा गाड़ी चलने चलाने चाहिए, हेवी गाड़ी बहुत चल रहा है तो वहाँ पुलिस वाला लोग पैसा लेके चला दे, यही सब है। जितने भी बाहरी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड और बाहर से जो भी अंदर में ठेकेदारी के अंडर में काम कर रहा है वो अपना अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, उसके बाद नहीं तो अंजाम हो गए। भरम जाल में है कि अकेले दिख रहा है तो अकेले नहीं है, भीड़ का जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा भीड़ दिखेगा। इसमें परमानेंट लेबर लोग को बगैर मेमो का यहाँ से वहाँ ड्यूटी में भेजना है, कहाँ तक सही है? अगर मान लीजिए उसका कहाँ ड्यूटी कर रहा है वहाँ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सब जानते हैं, खुद लीज पर है और लीज में होने के बावजूद फिर इसको लीज में दिया गया, जो 100 रुपये का प्रोजेक्ट मेरे से नहर बन रहा है कंपनी का क्वार्टर तोड़वा कर करोड़ों का खेल है। इसमें भी मिली भगत है, चाहे यूनियन हो साथ में या फिर मैनेजमेंट हो, दोनों का मिली भगत है इसमें। ये भी हम खुलासा करेंगे, मालिक वो बन गया है। कैसे बन गया मालिक? मालिक तो है नहीं, मालिक तो यहाँ का ग्रामवासी है, लेकिन मालिक वो बन के बैठा रहा है, सारा गलत काम करे जा रहा है। क्वार्टर का मामला भी है, क्वार्टर मामला में जो लीज हुआ 11 महीने का बाद आज तक जो भी उसका लीज का जो प्रक्रिया चला रेनुअल हुआ उसमें ग्रेंटर का दोबारा सिग्नेचर नहीं लिया गया, तो उस लीज को हम क्या माना जाए? अवैध होगा वो सिग्नेचर अगर नहीं लिया है तो फिर दूसरा लीज तो अवैध हो गया। जितना भी चल रहा है आपका क्वार्टर का भाड़ा या असूली हो रहा है, वो पैसा आपके कहाँ जा रहा है? उसके बाद बहुत ऐसा भी है लेबर को 30 साल 32 साल गया लेकिन उसको क्वार्टर नहीं मिला, क्वार्टर के लिए परेशान रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तुरंत उसको क्वार्टर मिल रहा है, वो भी नॉमिनी का यूनियन का ही आदमी है, उसी का खेल है, उसी का तरफ से दिया जा रहा है।
दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनियन का भी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रबंधन का भी जी, तो गलत तो दोनों तरफ से यूनियन की ओर से हस्ताक्षर करके उसको इस सेल में दोबारा लाया गया, ये कहकर कि कंपनी को बहुत अच्छा चलाएगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एक वो रेपिस्ट आदमी है, उस आदमी को यहाँ बनाए रहना एकदम जायज नहीं है, उसका केस चल भी रहा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती एच रोड में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल के परिजन घायलों को लेकर आदित्यपुर थाना पहुंचा, जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत कराते हुए पहले मेडिकल जांच के लिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि परवेज अंसारी और मोहम्मद कैफी जून दोनों ही पड़ोस में ही रहते हैं। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने की बात हो गई। इतनी बात बढ़ी कि दोनों ही ओर से लाठी डंडे और लाठपोसा चलने लगी, जिसमें तहसीलदार प्रवेश पूरी तरह से घायल हो गए। प्रवेश की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो पूरा मामला ब्राउन शुगर रेलवे की लोहा चोरी से जुड़ा हुआ है। वैसे आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती ब्राउन शुगर के हब के रूप में कुख्यात है। यहाँ कौन ब्राउन शुगर का खरीदार है और कौन बेचने वाला, यह पता लगाना पुलिस के लिए चुनौती भरा काम है। आए दिन बस्ती में इस बात को लेकर तानातानी होती ही रहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा। गालोली स्थित केडी पैलेस में 4 दिसंबर से चल रहे वाटर आर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित वाटर कलर कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में अपर उपायुक्त सरायकेला के सुबोध कुमार मौजूद थे। कार्यशाला में देश के कई बड़े शहरों से आए वरिष्ठ चित्रकारों ने वाटर कलर से ड्रॉइंग शीट पर अपनी कला को उतार कर अपने अनुभव का साझा किया। वही कार्यशाला में कोलकाता मुंबई जैसे बड़े शहरों से आए 60 स्टूडेंट्स ने उनकी पेंटिंग बनाने का हुनर सीखा। कार्यशाला की शुरुआत में जमशेदपुर के प्रख्यात वरिष्ठ आर्टिस्ट विप्लव राय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता तमन राय ने बताया कि कार्यशाला के दौरान हम लोगों ने कालांझौर गांव का भी भ्रमण किया और प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यशाला का मूल उद्देश्य अपने अपने कला विधियों की आदान प्रदान करना है। मौके पर मुख्य रूप से प्रवीण कर्मकार, संजय देसाई, अमित कपूर मौजूद थे। गालोली से जीतेन के लिए रिपोर्ट प्रकाश दास की। वाटर आर्ट फाउंडेशन एंड ऑफ द वर्ल्ड जमशेदपुर, ये दोनों का एक मिला हुआ, दोनों के एक साथ जो कॉम्बिनेशन में यहाँ एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है पेंट इन नेचर। और इस पेंट इन नेचर में आज पूरे इंडिया से करीब 60 लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ में 3 मास्टर आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग ने अपना कल्चर, अपना पेंटिंग को वाटर कलर को चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए जो हमने किया है, यहाँ पर जो सब लोग आए हैं अपना अपना टेक्निक्स एक्सचेंज करेंगे ताकि आगे हम लोग और अपना आपको प्रमोट कर सकें, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और इसी 3 दिवसीय कार्यशाला में हम लोग काफ़ी बाहर में जाके पेंटिंग किए, जैसे यहाँ पर एक कालाजोर गांव है, काफ़ी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत गांव है, यहाँ पे जाके हम लोगों ने यहाँ पर आउटडोर किया। और यहाँ पर इस पेंट इन नेचर में जमशेदपुर के वरिष्ठ कलाकार, प्रख्यात कलाकार विप्लव राय को हम लोगों ने सम्मान ज्ञापन किया। शुरू कब हुआ है ये नया? हम लोग का ये वाटर फाउंडेशन जस्ट इसी साल में हम लोग इसको संस्था किए हैं। और यहाँ वर्कशॉप कब शुरू हुआ? वर्कशॉप अभी 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये 7 तक, 6 तक कंप्लीट हो जाएगी। आज रात को समापन समारोह है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो आज 3 दिवसीय वाटर कलर वर्कशॉप जो तपन रॉय ने वाटर आर्ट फाउंडेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें लगभग 60 के लगभग पार्टिसिपेंट्स दूसरे दूसरे स्टेट से आए हैं और आज इसका समापन दिवस है, तो ये 2-3 दिनों का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये सभी लोग लेके जा रहे हैं। और झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ पर ऐसे कलाकार भी आज मौजूद हैं जैसे अमित कपूर, संजय देसाई जैसे वरिष्ठ कलाकार भी यहाँ पे आए हैं झारखंड की धरती पर और 3 दिनों तक रहकर इन सारे प्रतिभागियों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो ये सारा क्रेडिट तपन और उसके मेंबर्स जो वाटर आर्ट फाउंडेशन के हैं उनको जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं सुबोध सर, यहाँ के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और भी जो स्पॉन्सर्स है सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर और ज़्यादा गौर करे, क्योंकि झारखंड में इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, और झारखंड का नेचर इतना ब्यूटीफुल है, जो अगर आप इन जो लोग बाहर से आए हैं वो देख के मंत्रमुग्ध हो गए। तो ये अगर झारखंड थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे तो आर्ट को बढ़ावा देके आप टूरिज्म को भी साथ में बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर आर्ट को छोड़ के आप टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर ऐसा गवर्नमेंट एक प्लान करे तो हम जैसे लोग, हम जैसे कलाकार हमेशा तैयार है गवर्नमेंट को इस काम में मदद करने के लिए। धन्यवाद। तपन जी, प्रवीण कर्मकार रांची के, जो कि झारखंड के नामी कलाकार हैं, और कुछ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आए हैं, संजय देसाई हैं, अमित कपूर हैं, इन सब लोगों के प्रेजेंस में यहाँ बहुत सारे आर्ट लवर और जो वाटर कलर का खासकर आर्ट सीखना चाहते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और मैं भी एक आर्ट लवर हूँ और वाटर कलर पेंटिंग की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहा हूँ, करता भी हूँ, और ये इस क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि है कि यहाँ इन लोगों ने आयोजन किया है, और आगे आने वाले समय में और भी ऐसे आयोजन होंगे मुझे उम्मीद है। और ऐसे में यहाँ पे जो भी आर्ट लवर हैं, खास करके वाटर कलर एक ऐसा चैलेंजिंग मीडियम है जिसमें पेंटिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, उसमें बहुत तरह के स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है, और ये देखने में बहुत कम समय में बहुत ही एक बोले जादू जैसा एक रिजल्ट देने वाला पेंटिंग होता है वाटर कलर। और इस चीज़ को जानने का, सीखने का मौका इस क्षेत्र के लोगों को मिला है और आगे भी मिलेगा। आगे भी स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। मेरी बहुत शुभकामना है इसके आयोजकों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वाटर कलर एज अ मीडियम ऑफ आर्ट आने वाले समय में और भी ज़्यादा छाएगा सोसाइटी में। हमारा तो झारखंड और ख़ासकर घाटशिला का एरिया जो है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, और वाटर कलर आर्टिस्ट को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। यहाँ लोकल लेवल पे मैं जितने भी आर्टिस्ट को जानता हूँ, सब लोग गाँव में और जंगल पहाड़ में जाते हैं, है ना, और ऑन द स्पॉट वाटर कलर से आप पेंटिंग कर सकते हैं। आप ऑयल पेंटिंग और एक्रिलिक से ऑन स्पॉट पेंटिंग करना मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। इन वाटर कलर में आप घंटे भर में एक बहुत सुंदर आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, यही खासियत है इसकी। बुंडू टोल प्लाजा में चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स की वसूली मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू कर दी गई है। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। इधर स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स की वसूली बंद करने, टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को नौकरी देने आदि मांगों को लेकर मंगलवार को आजसू पार्टी द्वारा टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार ने। साफ साफ तौर पर कि ये टोलगेट जो बना है एनएचआई वाला ने गलत जगह बना है। हमको तो जहां तक लगता है अंधी को मिला है काजल और लंगड़ी को मिला है पायल। टोल टैक्स टोलगेट जो टैक्स जो टोलगेट जो बना है हमको लगता है बुंडू अनुमंडल हॉस्पिटल से उस साइड बनना चाहिए, जो कि यहां पर बना है। यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहा है, ये भी कुछ देरी पहले भी टोलगेट पर एक्सीडेंट हुआ है। दर्द तो हम पर रहो है, हम यहाँ की जनता पर दर्द तो बहुत दर्द है। एक्सीडेंट होना संजोग बस उसका देहांत नहीं हुआ। आए दिन आप लोग देखभे कर रहे थे, एक तो यहाँ पर गैस सिलेंडर ले जा रहा था वहां पर एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। टोल टैक्स निश्चित तौर पर गलत जगह बना है, और स्थानीय लोग का यही में हम लोग का डिमांड है कि स्थानीय लोग का जो मनमाने शुल्क
जो कि शुल्क नहीं लेना चाहिए निःशुल्क होना चाहिए, इस पर हम लोग अनिश्चित दिन अनिश्चित काल हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। और यहाँ का जो भी लिया है उसे हम लोग बर्ता करके हम लोग बोलेंगे कि बुंडू अनुमंडल के जितना भी प्राइवेट गाड़ी है उसको कम से कम फ्री किया जाए। इसलिए फ्री किया जाए क्योंकि इधर अनुमंडल हॉस्पिटल है, पर्यटक स्थल पर सूर्य मंदिर है, उधर दिवड़ी मंदिर है, आपका दासम फॉल है, आना जाना लगा रहता है, बगल बगल में स्कूल है, वहाँ पर जब आदमी आना जाना करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही पैसा लगेगा। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे इसके इस संबंध में हम लोग केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी बात करेंगे, जो केंद्रीय हम लोग जो खूंटी के सांसद है उनका क्षेत्र पर उनसे भी हम लोग बात करेंगे और बोलेंगे कि स्थानीय आदमी को कम से कम यहाँ पर निःशुल्क किया जाए। आशु पार्टी के बैनर तले गुंडू टोल प्लाजा के समीप आज बैठे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय समस्या को लेकर समस्या यही है कि पहला तो यहाँ का जो टोल प्लाजा टैक्स जो बना है वो गलत जगह पर बना है, जो कि टोल प्लाजा पार करके ही हमारे अनुमंडलीय अस्पताल बनी है और वो अस्पताल हर कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो वहाँ पर जाते हैं। तो हमारे इस पांच परगना क्षेत्र गुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र के तमाम पब्लिक इस टोल प्लाजा के लिए झेल रहे हैं और अनुमंडलीय क्षेत्र में जितने भी हमारे फोर व्हीलर गाड़ी है आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग का मांग है कि वो उसको फ्री करे निःशुल्क करे। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं हमारे इस पांच परगना क्षेत्र का बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र का लड़का का यहाँ बहाल हो यही मांग है हम लोग का। इसी पर सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत अनंतपुर गांव में बिजली के करंट की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक भीम सोरेन की मौत की सूचना मिलते ही राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन सोमवार देर शाम अनंतपुर गांव पहुंच पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले में ग्रामीणों से पूछताछ से जो बातें सामने आ रही उसे साफ पता चलता है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना घटित हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए जाने की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद बिजली विभाग के एसटीओ और जेई को फटकार लगाते हुए ग्रामीणों की मांग को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों ने कल से ही जर्जर तार बदले जाने का भरोसा दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों से मृतक के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा और परिवार के काशिफ को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी, जिस पर दोनों अधिकारियों ने पहल करने का भरोसा दिलाया। वैसे राज्य के अलग अलग क्षेत्र लगातार बिजली के जर्जर तारों की चपेट में आकर हो रहे मौतों के सवाल पर मंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जल्द ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएगी। आदित्यपुर से रिपोर्ट, बलराम पांडा। देखिए गांव का बिजली विद्युतीकरण हुआ है, कहीं बदल दिया गया कहीं नहीं है, तो यहाँ का संबंध में अनंतपुर का संबंध में आने के बाद सभी महिला हमको बताया कि ऐसा कई बार हुआ है, हम लोग शिकायत किया है विभाग कि इसको ठीक किया जाए या इस तार को चेंज किया जाए। ये बात गांव तरफ से लिखित भी है और ऐसे आने से भी मौखिक में लोग बोलते हैं कैसे करके विभाग इसमें गंभीरता नहीं लिया, इत्तेजाज का विषय है। अभी हम यहाँ आने के पहले जीएम से बात किया, ऐसे ऐसे दुर्घटना होती है उस गाँव में और उस दुर्घटना क्यों हुआ नहीं हुआ आपको जांच करना होगा, अगर लापरवाही है तो उसका ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए कि वो लापरवाही है। इसीलिए हम विभाग को कहेंगे, यहाँ का जीएम को कहेंगे कि जहाँ जहाँ भी इस तरह से बहुत दिन पहले से विद्युतीकरण हुआ है क्या स्थिति में वो जो तार है उस सारा जांच करके उसको बदलाव किया जाए ताकि दूसरा ऐसा दुर्घटना नहीं हो। अभी तक गांव वाला हमको इसे मुआवजा की मांग रखे है, लिखित तो नहीं दिया। आप गांव वाला को
आने वाले के समय में कहेंगे। अभी तक हमको तो महावजा का बात में आ रही है शिकायत को, हमको भी बताया कि हम लोग शिकायत किया है। ये अधिकांश ठीक है उसका आप सारा चीज समस्या होगा, आप घटना हो गया, हम ये सुन के हम भी आ गया। आने के बाद यह गांव के तरफ से भी हमको बताया गया कि ये पुराना हो चुका है, हम लोग वार्क चेंज करने के लिए हम लोग बोला परिवार को। नहीं देखिए हम तो आए हैं, उसके बाद जो नियमता जो है वो तो होगा ही, इसमें ये देखा जाएगा कि सही शिकायत होने के बाद गंभीरता विभाग क्यों नहीं लिया, इस विषय पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। हमने यहाँ का जो जीएम है बाकी ये है पदाधिकारी सर से बात करके इसको एक इस इलाका में और भी बात आ रहा है इस तरह का वो सारा चीज हम लोग ठीक करेंगे। मतलब कल सुबह ही इसको जो एंटी केबल है उसको एंटी केबल से करेंगे, पूरे तार को बदलेंगे और जो भी विभाग की तरफ से जो मुआवजा और जो भी मांग गांव वाले की तरफ से की गई है उसकी सूचना उच्च पदाधिकारियों को दे देंगे। और अब तक क्या दिया गया है? अभी तक फिलहाल कुछ राशि मतलब उनको संतुष्टि के लिए मतलब विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया है और बाकी जो भी मुआवजा है वो सरकारी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। ये जो वायर जो पुल गड़ा हुआ है किस योजना के तहत में है? ये देखिए योजना के तहत अभी काम यहाँ पर सब केबलिंग करना था, पर अभी ये कुछ एक गांव कुछ एरिया है जो छूट गए हैं, उन्हीं में ये भी है जो कि अभी अर्थिंग वायर टूटने से जैसा कि पता चला है कि अर्थिंग वायर अचानक टूट के उन्हीं पे मतलब गिर जाने से ऐसा घटना हुआ है, तो हम चाहेंगे कल इसको पहले सबसे पहले इसको केबलिंग करा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार पद सहायक अभियंता सहायक।